Browsing through the pieces. Ah, yes. Okay. Am I messing up? बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है. इट्स द ऑटम विंटर कलेक्शन बाय ऋतु कुमार. उनके 50 साल इस साल पूरे होते हैं एंड इट्स अ नेम टू रेकन विद. आई मीन आई हैव ग्रोन अप विद ऋतु कुमार's नेम एज अ ब्रांड, यू नो, फ्रॉम माय अर्लीस्ट डेज. आई कैन रिमेंबर दिस बीइंग वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स एंड इट्स अमेजिंग दैट देव मेंटेन देयर equity and grown so much, and they're so relevant even today. So this collection I think is about the urban sophisticated traveler, world traveler, and it has an undertone of the nomad girl and, you know, the gypsy life, and not just from India. The inspiration is taken from all over Asia. Jo ye dress maine pehni hui hai isme उज़्बेकिस्तान की मोटिव्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस, और बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्यूएट्स हैं. इजी है, इट रियली एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द इंडियन वुमन, सो आई लव इट. ओके, विंटर कलेक्शन है तो आपका क्या विंटर लुक होता है, जो उसमें आप क्या पहनना पसंद करती हैं? जी, बॉम्बे में तो विंटर खास मिलती नहीं है, सो अगर दिल्ली जाना हो, एक्चुअली जहाँ ठंड होती है वहाँ पे विंटर में, यू नो, यू एंड अप वेयरिंग अ लॉट ऑफ वेलवेट. ऑफ कोर्स वेलवेट इज़ समथिंग अगेन दैट, यू नो, हैज़ बीन यूज इस कलेक्शन में, काफ़ी यूज़ करा गया है. और डार्कर कलर्स होते हैं, थोड़े वार्मर कलर्स होते हैं. विंटर में सारे ट्रेंच कोट्स निकल आते हैं, मफलर्स एंड, यू नो, ऑल द बूट्स एंड ऑल द फन स्टफ, जो अच्छे से पैक होके रहते हैं. नहीं तो बॉम्बे में वेल, इट्स एज यू कैन सी, इट्स अ ब्यूटिफुल लॉन्ग ड्रेस एंड दिस मोटिव इन पर्टिकुलर, ये उज़्बेकिस्तान का मोटिव है. इट्स फ्रॉम उज़्बेक एंड इज एन उज़्बेक मोटिव एंड आई रियली लव द कलर. इट्स एंड एक इंडियन एथनिक टच है, लेकिन इट्स गॉट अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ अ वाइब. So that's what the इसके आपका आपका क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, अगर आपकी अगर बात करिए तो? मेरा स्टाइल स्टेटमेंट एक्चुअली बदलता रहता है. इवन आई डोंट नो, यू नो, समटाइम्स आई फील लाइक वेयरिंग ड्रेसेस एंड द अदर टाइम्स आई एम टॉन जीन्स एंड टी शर्ट्स एंड कभी, यू नो, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द मूड इज एंड व्हाट द सीजन इज. सो आई एम नॉट रियली कमिटेड टू वन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एज सच. ओके, विंटर के लिए कोई तीन टिप्स अगर आप अगर आपके आपके फैंस को देने हैं तो क्या दोगी आप? विंटर में आई थिंक सबसे पहले तो कपड़े जो हैं हिसाब मौसम के हिसाब से पहनने चाहिए. आई फील वेरी कोल्ड व्हेन आई सी गर्ल्स वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स इन द विंटर, यू नो, समटाइम्स, एंड आई हैव डन दैट एज वेल, बट आई हैव रियलाइज दैट दोज आर नॉट
good choices. So you should wear things that are you know, nice and warm, and you know, warmer color tones in that sense. Trench coats, mufflers, like I said before, jo bhi cheeze, you know, mostly packed away rehti hai. Abhi jo web series, you know, as you come from the showbiz business, yeah, so fashion is one of the most ingredient in this industry. Yeah. What according to you is the USP of Ritu Kumar, and what's your own idea of fashion? I think for me, and not just as an actor or working in the beauty industry, you know, I feel like Ritu Kumar has remained so relevant with the times as a brand and as an entity. I find that extremely inspiring. I feel like, you know, they are artists of a sort and of a unique sort, you know, and unke evolution mein aapko ek country ka evolution dikhta hai. Kis tarike se silhouettes badle hain, kis tarike se prints badle hain, what things come back in fashion, you know, many times we see that what was really hot in the 70s or the 80s is right back in fashion. It's amazing to see the evolution of a country and a culture through the lens of fashion. And I feel that whenever I've seen Ritu Kumar's clothes and just her aesthetic and sensibility in her prints and motifs, the way she has kind of, you know, just culminated different textures of the country and beyond, I find that amazing. I find that very inspiring. अपने वेब सीरीज के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का आप चल रहा है वेब सीरीज? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली. मैंने पहले ही दिन अपने पैर को इंजर कर लिया था, तो मैं उससे रिकवर हो रही हूँ. बट इट्स बिन अ रियली 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 अमेजिंग टाइम. इट्स अ ग्रेट सेट टू बी ऑन. आई एम रियली हैविंग एन अमेजिंग टाइम शूटिंग, एंड वी आर राइट इन द मिडल ऑफ इट एक्चुअली. और बहुत टफ है, फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, बट इट्स अ प्रोजेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो I'm really, really happy that you know, we are back filming this. Okay, what क्या होने वाला है upcoming में आपकी तरफ से? जी, फिलहाल तो मैं यही कर रही हूँ जो मैं confirm कर सकती हूँ. कुछ projects हैं जो जिनके बारे में इस वक्त मैं फिलहाल बात नहीं कर सकती. But I'm filming this right now, and I think we should be on air with this at the end of the year for sure. Okay. Thank you. Thank you.